देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में 16 सितंबर को आने वाली मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आज दोपहर शाहजहांपुर कलेक्टर श्रीकांत बनोट, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान का दौरा रहा। इस दौरान नगर परिषद में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र बेस अवंतीपुर बडोतिया के साथ बैठकर पूरे कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। मीटिंग से जैसे ही कलेक्टर बाहर आए, वहां पर उन्हें नगर की एक गरीब महिला ने घेर लिया। वह अपनी समस्या सुनाने लगी, जिसे कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा तत्काल सीएमओ को अवगत कराकर समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा क्षेत्र में आने की तारीख तय हुई है, तब से ही पूरा शासन प्रशासन का अमला तैयारियों में जुट गया है। विभिन्न प्रकार के पुराने लंबित कार्यों को तुरंत निपटाने के साथ साथ पुरजोर तैयारियां मुख्यमंत्री के लिए की जा रही हैं। शाहजहांपुर के पोलाई कला से रजनीश भुमरिया की रिपोर्ट। श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे नगर की, हमारे क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं। 16 तारीख को उनका आगमन होगा और बड़े धूमधाम से उनकी आगवानी करने के लिए हमारा पूरा नगर और हमारा पूरा क्षेत्र तैयार है। उसी के संबंध में आज हमारे जिले के कलेक्टर और एसपी साहब ने जो स्थान सभा के लिए चिन्हित होना है उसका मौका मुआयना किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आने में असुविधा नहीं हो। मुख्यमंत्री के दौरे से क्या लोगों के काम जो पेंडिंग पड़े थे, कई दिनों से कई प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, क्या उनमें तेजी आई है? क्या बहुत तेज गति से जिले के सभी कार्यालयों के काम निपटने लगे हैं? वैसे नगर परिषद में तो कोई काम वैसे भी पेंडिंग नहीं होता है। हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे नागरिकों को सतत सारी सुविधाओं का तत्काल उपलब्ध हो सके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में पधारने से निश्चित ही कई ऐसे काम होते हैं जो उनके स्वतः जाने से पूर्ण भी होते हैं। और मुख्यमंत्री तो जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और जनता तैयार है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखें। काफी लंबे समय के पश्चात लगभग 12 वर्ष बाद मुख्यमंत्री जी आपके नगर में पधार रहे हैं, आपकी उनसे क्या अपेक्षा रहेगी? किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री जी के सामने किन मांगों को रखेंगे? वैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके बगैर पोलाई कला में पधारे हुए भी हमारे नगर के सारे विकास कार्य को उसी गति से चला रहे हैं जिस गति से उनके द्वारा एक एक काम को निश्चित तौर पर पूरा किया जा रहा है। जितने भी हमारे नगर की मांगे थी, माननीय विधायक जी के साथ हमने जब भी उनके सामने रखी, उन्होंने उसको तत्काल स्वीकृत किया और आज हमारे नगर का चारों तरफ से विकास हो रहा है। वर्षों पुरानी हमारे नगर की जो समस्याएं थी, स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम का निर्माण भी कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत एक बड़ा काम हमारे नगर के अंदर प्रारंभ हो रहा है, सभी नागरिक अपने अपने वार्डों में देख भी रहे हैं। और जो पेयजल की एक सबसे बड़ी, इस नगर को एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए की दी है, कालीसिंध से डैम बनाकर पोलाई कला में जल प्रदाय, और उससे भी बड़ी एक योजना है माँ नर्मदा का जल भी पोलाई कला में आने के लिए काम हो रहा है। अभी हवाई सर्वेक्षण भी उसका कुछ दिन पहले हुआ है। ये बड़ी बड़ी सौगातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नगर को दी है। अब निश्चित उनके आने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।